ये तो हमारा टॉपिक चल रहा है जेनेटिक्स का, और उसमें से मैंने लास्ट जो लेक्चर आपको दिया था वो मेनली उसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स कवर किया गया था, और सवाल भी बहुत दफा इसमें से आ चुका है मेंडेलियन जेनेटिक्स से। तो आई होप आप सब लोगों ने उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। तो उसी से हम आज के ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और ये वो सवाल जिस तरह के सवाल पेपर में आ सकते हैं, और फर्दर इसमें से कुछ क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, तो हम इनको एक एक करके देखते हैं, और फिर उसके साथ साथ हम उसकी डिस्कशन करेंगे, और एट द एंड पे आपके जो क्वेश्चन होंगे उनको हम लेंगे, और साथ साथ आपने आंसर करना है इनका जो जो आपके सामने जो शो हो रहे हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, मेंडल वर्क इन 17th सेंचुरी, 18th, 19th और 20th सेंचुरी। अब ये भी एक सवाल जो आपको पता होना चाहिए कि ये किस इरा में कौन से सेंचुरी के अंदर इसने काम किया। जी बताएं जरा कौन इसमें आंसर करेगा। अरसलान ने सी कहा, रियाज ने भी सी कहा है। जी कोई और, हम आप बी कह रहे हैं। अब देखिए जो मेंडल का टाइम पीरियड था जिसके अंदर इसने काम किया, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, वो था 1822 से 1884। 1822 में उसकी बर्थ थी और 1884 के अंदर उसकी डेथ हो गई। तो इसका मतलब है कि ये जो सेंचुरी बनती है वो कौन सी बनती है, तो आप जानते हैं कि ये सेंचुरी जो है वो 19th सेंचुरी बनेगी, तो इसके अंदर चार्ली जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह का सवाल भी आ सकता है, ये रीडिंग का क्वेश्चन है और ये चीजें आपने लर्न करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, मेंडल वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और चेकोस्लोवाकिया। कहाँ पर वो बॉर्न हुआ। जी कहाँ का साइंटिस्ट था, जरा जल्दी से बताएं अगर किसी को पता है तो। ऑस्ट्रिया कह रहे हैं रजब, अरसलान रजब ने ऑस्ट्रिया कहा है, कासिम ने सी कहा है, यूनाइटेड किंगडम, और कोई जल्दी से बताएं जिसको पता है ये। ओके, ये भी नोट कर लें, भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये ऑस्ट्रिया, अरसलान रजब बिल्कुल सही है कि ये पैदा हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर, ऑस्ट्रियन मॉन्क था, और वहां उसने अपने गार्डन के अंदर जो कि चर्च के साथ था वहां उसने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे। पी प्लांट का भी पता होना चाहिए आपको, स्पाइसम सेटिवम कहते हैं। तो ये सवाल भी पेपर में आ सकता है कि इसने एक्सपेरिमेंट किस पे किए, तो वो पी प्लांट था। क्यों एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट पर, हम डिटेल में लेक्चर के दौरान जो है वो पढ़ा था कि उसने वहां उसके अंदर ट्रेड्स देखे थे जिसकी बेस पर उसमें उसने करेक्टर एक्सपेरिमेंट किए। बहुत से रीजन है लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उसमें एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स थे। सो पाइसम सैटिवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द पी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, 3 पे, मेंडल पब्लिश द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट इन द ईयर 1568, 1773, 1866, 1921। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब उसने अपने जो वर्क था उसको पब्लिश किया, ठीक है। और इसमें दो तीन डेट्स हैं, मैं यहाँ आपसे इस पे मजीद जो बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये जरा इसका आंसर करें कि कब इसने पब्लिश किया। अरसलान हमाद सी कह रहे हैं, रीन फातिमा ने भी सी कहा है, तो इसका मतलब है आपने लेक्चर जो है वो सुना हुआ और से। यस, इसने 1866 के अंदर अपने वर्क को पब्लिश किया, और ये जो वर्क था जितनी भी ये फाइंडिंग्स थी ये एक सोसाइटी को प्रेजेंट की गई थी जो इसने पब्लिश किया। उस सोसाइटी का नाम जो है वो भी आपने याद रखना है, दैट इज द बर्न सोसाइटी, बर्न सोसाइटी ऑफ स्टडी, और ये इसने नेचुरल साइंसेस की सोसाइटी थी। 1865 में इसने प्रेजेंट किया था और एक साल के बाद जो है ये पब्लिश्ड हो गया। लेकिन अब इसमें यहाँ दो डेट चले आप याद रखें, ये जो सोसाइटी को अगर तो आ जाए कि कब उसने प्रेजेंट किया था, तो प्रेजेंट उसने किया था 1865 में, और पब्लिश जो हुआ है वो 1866 में पब्लिश हुआ था। और उसके बाद कितने साल तक उसका काम निग्लेक्ट रहा, ये भी सवाल आ सकता है कि उस पे इतने साइंटिस्ट ने कोई उस पे कमेंट नहीं किया, किसी ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। फॉर हाउ मेनी इयर्स हिज वर्क ले निग्लेक्टेड। जी कौन बताएगा। यहां से दो तीन सवाल फिर बन जाएंगे कि आपको जब ये पता चल जाएगा कितने साल तक वो निग्लेक्ट रहा, नहीं यहां से आपको पता नहीं चलेगा। 65 में उसने प्रेजेंट किया, 66 में पब्लिश हो गया, लेकिन निग्लेक्ट रहा। अरसलान बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर ये कहा जाए कि निग्लेक्टेड तो आपका आंसर होगा 34 ईयर्स। और अगर मैं यहां सवाल पूछूं कि फिर बताएं कि मेंडल का जो काम था वो रीडिस्कवर कब हुआ, जी इसका आंसर करें जरा, कब रीडिस्कवर हो, क्योंकि इसका बाद में जब काम रीडिस्कवर हो उस वक्त लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया।
1900, अरीन अरसलान दोनों सही कह रहे हैं एग्जैक्टली। इसमें ये 1900 में ये काम जो है वो दोबारा से उसका रीडिस्कवर हुआ, और इसको जो रीडिस्कवर किया वो आपके पास 3 बॉटनिस्ट थे जिन्होंने इसको रीडिस्कवर किया। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। यस अरीन सही कह रही है, आफ्टर हिज डेथ 16 ईयर्स लेटर, यानी डेथ के 16 साल के बाद और पब्लिश्ड होने के 34 ईयर्स के बाद, क्योंकि डेथ का वही ऊपर लिखा मैंने 1884 के अंदर, और 16 ईयर्स आफ्टर द डेथ। तो 3 बॉटनिस्ट जो थे जिन्होंने इसके अंदर इसका काम जो है वो उसको रीडिस्कवर किया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। इसमें एक जो है वो कॉरेंस है, दूसरा जो नाम है वो है डी वेरीज, ये इसने काम को रीडिस्कवर, और तीसरा जो साइंटिस्ट जिसने जिसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है चिमाश, ये इन्होंने उसको इंडिपेंडेंट डिस्कवर किया और फिर उसके बाद उसको एक्नॉलेज किया। तो यहां से 3-4 सवाल जो इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द जेनेटिक कंट्रोलिंग ऑफ द 7p कैरेक्टरिस्टिक स्टडीड बाय मेंडल इज नोन टू बी लोकेटेड इन हाउ मेनी डिफरेंट क्रोमोसोम्स, कितने डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर वो 7 ट्रेट्स उसने जो स्टडी किए बताएं वो कितने डिफरेंट क्रोमोसोम पर थे, 4 पे थे, 5 पे थे, 6 पे थे या 7 पे थे। 7 ट्रेट थे और वो 4 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे। यस ये इंपॉर्टेंट है, लेक्चर में बड़ी डिटेल में इस पे बात की थी कि वो 4 क्रोमोसोम्स कौन कौन से हैं जिस पर वो 7 ट्रेट्स हैं वो प्रेजेंट थे। ये मैं आपको थोड़ा सा वहां पे ले जाऊं, थोड़ा सा उसको वहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से ट्रेड्स थे, हमने लेक्चर में इसकी बात की थी। जस्ट अ मिनट, ये जरा पहुंच गए हम उस स्लाइड पे, वो बिल्कुल स्टार्ट में थी स्लाइड, मैं जरा आपको यस ये आ जाए इसमें। तो इस पे आप देखें कि एक तो ट्रेड्स पे हम बात कर लें, तो ट्रेड्स जो थे वो तो 7 थे लेकिन क्रोमोसोम पर वो 4 क्रोमोसोम पर थे। ओके अब वो 4 क्रोमोसोम, ये मैंने आपके सामने 7 क्रोमोसोम लिख दिए हैं जो कि पी प्लांट के अंदर होते हैं। पी प्लांट में क्रोमोसोम 7 होते हैं लेकिन उसके ट्रेट 4 पे थे। अब किस किस पे नहीं थे पहले तो देख लें, दूसरे पे कोई ट्रेट नहीं था, तीसरे पे कोई ट्रेट नहीं था उसने जो स्टडी किया, वैसे हो सकते हैं बहुत से और ट्रेट्स, इसी तरह से 6ठे पे कोई ट्रेट नहीं था, तो बाकी किस किस पे ट्रेट था, पहले पे था, चौथे पे और 5वें पे और 7वें पे। तो अब कौन सा किस पे है, अब 7 ट्रेट है उसमें देखें, जो नंबर 1 पे है उसमें फ्लावर का कलर और सीड कलर दोनों जो ट्रेट थे ये दोनों नंबर 1 क्रोमोसोम पर थे, और इसी तरह से जो चौथा क्रोमोसोम है उसमें फ्लावर की पोजीशन और पोड की शेप और प्लांट की हाइट, 3 जो थे यानी ये जो 4th नंबर क्रोमोसोम है वो कितने ट्रेड थे उसपे, 3 ट्रेड्स थे उसके ऊपर, कौन कौन से ये भी आपने जब याद रखे। उसके बाद 5 पे एक ही है पोड कलर और 7th पे एक ही है सीड शेप, तो टोटल 7। अब इसमें पूछा जा सकता है कि किस पे सबसे ज्यादा ट्रेड थे मेंडेलियन, इस नंबर क्रोमोसोम पर, ये सवाल आ सकता है कि 4 नंबर क्रोमोसोम जो है इस पे सबसे ज्यादा ट्रेड थे और वो 3 थे, बाकियों पे एक एक, 5 पे 1 था, 6 पे और 7 पे 1 था और 1 नंबर क्रोमोसोम पर 2 ट्रेड्स थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आपने जो है यहाँ पर याद रखना है। नो अदर साइंटिस्ट स्टडीड ऑन द पी प्लांट टू चेक दैट रियली दिस क्रोमोसोम हैज नो ऑन जीन्स और नॉट, नहीं अब तो स्टडी हो गए हैं, अब तो हो चुके हैं, ये तो हम पुरानी बात कर रहे हैं कि जी किस पे कौन सा है, अब तो अब साफ जाहिर है उसके अंदर उसने तो सिर्फ 7 ट्रेट लिए और उसको थोड़ी जीन्स का पता था, उसको तो ना जीन का पता ना क्रोमोसोम का पता, क्रोमोसोम तो कहीं जाके आप जानते हैं कि डिस्कवर जो है वो हो रहा है लेट उसके मरने के बाद, ठीक है, और जीन तो कहीं बाद में जब वो डिस्कवर हुए हैं, तो ये जो उसने काम किया था ये सारा फिनोटिपिकली था और उसको जीन्स के बारे में अलील्स के बारे में एज सच कोई चीज का नहीं पता था। ठीक है जीन की जो स्टडी है वो जीन की जो डिस्कवरी है वो तो बहुत बाद की बात है और उस वक्त तो उसने उसको स्टडी नहीं किया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर पार्ट था जो कि हमने आप डिस्कस किया और ये आपने अच्छे से जब लर्न कर लेना है, इसमें से कई सवाल बन सकते हैं।
ये हो गया। उसके बाद आ गया जी नंबर 5 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टर इज नॉट चूजन बाय मेंडल। मेंडल ने कौन सी करेक्टर चूज नहीं की, पोर्ट शेप, पोर्ट कलर, लोकेशन ऑफ फ्लावर और लोकेशन ऑफ पोर्ट, कौन सी मेंडल है? अब देखें ये वो 7 ट्रेट हैं, ये 7 करेक्टर्स आपको सातों की सातों का पता होना चाहिए। तो आगे अगर कोई इस तरह का आ जाए कि कौन सी करेक्टर उसने चूज की या कौन सी करेक्टर उसने चूज नहीं की, तो आपको पता होना चाहिए। तो सब लोग आंसर डी का कर रहे हैं कि लोकेशन ऑफ पोर्ट जो है वो उसने करेक्टर को चूज नहीं किया। यस यू आर ऑल राइट, सबने सही जवाब दिया है कि ये करेक्टर जो है दैट वॉज नॉट स्टडीड बाय द मेंडल। पोर्ट शेप भी स्टडी की, पोर्ट कलर भी स्टडी किया, फ्लावर की लोकेशन भी, फ्लावर का कलर भी, प्लांट की हाइट भी, ठीक है, और पोड की शेप भी, पोड का कलर भी, ये सारी ट्रेड्स जो हैं उसने स्टडी किए। आई होप कि मेरे ख्याल में मैंने सारे के सारे बता दिए। बहरहाल 7 ट्रेड्स हम ऑलरेडी लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, प्योर ब्रीड लाइंस रेफर्स टू होमोजाइगस्टी ओनली, हेट्रोजाइगस्टी ओनली, हेट्रोजाइगस्टी एंड लिंकेज, होमोजाइगस्टी एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जी आप बताएं कि प्योर ब्रीड लाइंस होती हैं उसका क्या मतलब होता है? अरीन ने डी कहा है, हमाद ने ए कहा है, अरसलान डी, अरीन ए कह रही है, सॉरी वो पिछले क्वेश्चन का आंसर मिरर कर रही थी, ए कह रही है। प्योर ब्रीडिंग का मतलब या प्योर ब्रीडर लाइंस का मतलब होता है होमोजाइगस्टी ओनली, अरसलान डी कह रहे हैं लेकिन डी नहीं है, प्योर ब्रीडर लाइंस होती हैं उसका मतलब है कि होमोजाइगस्टी ओनली, यानी वो सिर्फ होमोजाइगस ही हो सकते हैं। जैसे आपने देखा कि जो राउंड है, राउंड जो है ये आप लिखते हैं कैपिटल आर, कैपिटल आर, और एक राउंड जो है आप लिखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसके अंदर हम जानते हैं कि ये वाला जो राउंड है इसको हम होमोजाइगस कहते हैं या इसको हम प्योर ब्रीडर कहते हैं कि दैट्स द प्योर ब्रीड, और ये वाला जो राउंड है ये राउंड प्योर ब्रीड नहीं है बल्कि ये हाइब्रिड भी इसको कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि ये हेट्रोजाइगस है। तो ये इसमें आपने जो है याद रखना है कि वो सिर्फ होमोजाइगस जो है वो होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, कैरेक्टर्स विच अपेयर्ड इन F1 जनरेशन इज रिसेसिव, डोमिनेंट, बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव, इधर डोमिनेंट और रिसेसिव, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? जी जल्दी से बताएं जरा कि जो करेक्टर अपेयर्ड होती हैं और वो F1 जनरेशन में अपेयर्ड होती हैं वो कौन सी होंगी? हफ्सा बी कह रही है, अरसलान ने बी कहा, अरीन ने बी कहा, कासम सी कह रहे हैं कि दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकते हैं, बाकी लोग सोचें जरा, अमाद भी कह रहे हैं कि सिर्फ डोमिनेंट होंगे। तो करेक्टर जो F1 के अंदर शो होती हैं उसमें करेक्ट आंसर ये है कि सारे के सारे डोमिनेंट ही शो होते हैं, रिसेसिव वहां शो नहीं हो सकता, रिसेसिव हमेशा वहां मास्क रहेगा। जैसे आप जानते हैं अगर मैं यहीं पे लूं कि जी एक हमारे पास राउंड है और राउंड को हमने क्रॉस करवा लिया रिंकल के साथ, ओके, अब राउंड रिंकल के साथ क्रॉस करवाया और ये जनरेशन कौन सी है, जनरेशन को P1 कहते हैं, और इससे हमने आगे रेस करनी F1, तो आप जानते हैं कि F1 होता है उसमें जो करेक्टर शो होती है वो राउंड शो होती, और ये 100% राउंड आएंगे, यहाँ रिंकड नहीं आएंगे, और राउंड जो है दिस इज द डोमिनेंट, हम ये भी जानते हैं कि राउंड जो है वो डोमिनेंट है और रिंकड जो है वो रिसेसिव है। अब डोमिनेंट ही यहां पर शो हो रहा है और इसकी जो F1 के अंदर शो होता है आप ये भी कह सकते हैं कि वो सिर्फ डोमिनेंट ही शो हो सकता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि डोमिनेंट कहते ही उसको हैं जो F1 के अंदर शो हो, और रिसेसिव हम उसको कहते हैं जो F1 में शो ना हो, ये भी आप इसके डेफिनेशन ले सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों रिसेसिव जो है वो शो नहीं होंगी या एक कोई शो नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट ही शो होंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जीन इज सेट टू बी डोमिनेंट इफ इट नेवर एक्सप्रेस इन एनी कंडीशन, इट एक्सप्रेस ओनली इन हेटरोजाइगस कंडीशन, इट एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, इट एक्सप्रेस बोथ इन हेटरो एंड होमोजाइगस कंडीशन। तो किसको हम डोमिनेंट जीन कहेंगे, ये डोमिनेंट जीन जो होगा वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस होगा? जी अलीशा डी, अरसलान डी का, अरीन डी, हफ्सा डी, हमाद ने कहा है कि बी, कि सिर्फ हेटरोजाइगस में शो होगा। जी कोई और, बाकी लोग जल्दी से आंसर करते हैं, जरा मैं देखना चाह रहा हूँ कि किसने लेक्चर को अच्छे से सुना है पिछला और किसने नहीं सुना, इससे अंदाजा मुझे हो जाएगा। हमाद ने सी कह दिया, हबीबा रियाज ने कहा है कि डी सही है। ओके जी इसमें देखें जो डोमिनेंट होता है वो दोनों कंडीशन के अंदर शो हो सकता है, होमो में भी और हेट्रो में भी। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी राउंड, ऊपर हम लिख के भी आए, तो राउंड कैपिटल आर, कैपिटल आर भी राउंड है और कैपिटल आर स्मॉल आर भी राउंड है, दोनों ही राउंड है,
ये वाला होमोजाइगस राउंड है, ये वाला हेट्रोजाइगस राउंड है। तो इसका मतलब है कि राउंड क्योंकि डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो होमो में भी शो हो और वो हेट्रो में भी शो हो, दोनों के अंदर शो हो सकता है। लेकिन यहाँ याद रखना है कि जो रिसेसिव होगा, चलिए इसका बताएं जरा, रिसेसिव क्या दोनों में शो होगा या सिर्फ होमो में शो होगा या सिर्फ हेट्रो में शो होगा? आप जल्दी से इसका आंसर करें। अलीशा ने कहा होमो, सब होमो कह रहे हैं, लेकिन अरीन ने कहा हेट्रो, हमाद होमो, अभी रवि ने भी कहा है होमो। जी अरीन, जरा इसको नोट कर लें, आपने हेट्रो कहा है। जो रिसेसिव होगा वो सिर्फ होमो में शो होगा, ये हेट्रो में शो नहीं हो सकता। मसलन देखिए, जब भी आप आर आर लिखेंगे, विच इज अ रिंकल्ड, जो कि मैं उसी सेवन ट्रेट में से एक ले रहा हूं, ये रिंकल्ड है एंड रिंकल्ड इज रिसेसिव, तो आप जानते हैं कि द ओनली कंडीशन के जहां हम रिंकल्ड लिख सकते हैं वो ये, इसके अलावा आप रिंकल्ड नहीं लिख सकते। अगर आप एक भी वहां पर कैपिटल लिख देंगे तो वो रिसेसिव नहीं रहेगा, डोमिनेंट अपना इफेक्ट जो है वो शो कर देगा। तो इस वजह से जो रिसेसिव होगा वो सिर्फ और सिर्फ होमो में शो होगा, लेकिन जो डोमिनेंट होगा वो होमो और हेट्रो में, दोनों में शो हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से लर्न कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर बैक क्रॉस? ओके जी, आंसर आना शुरू हो गया है। हफ्सा, कासिम, अरसलान, सबके सही आ रहे हैं कि सी करेक्ट है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो करेक्ट है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर ही, अब ये जो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है, ये पहला लॉ जो उसने दिया था, जिसको आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो इसके अंदर उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो बनाए हैं, ठीक है। अब यहाँ दो वर्ड यूज हुए हैं, अब उसमें भी थोड़ा सा फर्क देख लें, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। तो अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है, देखें टेस्ट क्रॉस में अगर मैं देखूं, ये इस दफा सवाल पेपर में आया भी है, टेस्ट क्रॉस होता है वो बिटवीन द F1 मेंबर ऑफ F1 विच इज हेट्रोजाइगस एंड बिटवीन द P1 विच इज द रिसेसिव, और रिसेसिव जो होगा आप जानते हैं कि वो होमो ही होगा, लेकिन रिसेसिव होमो, इसके दरमियान क्रॉस होता है। मसलन अगर मैं यहाँ बताऊं, अगर यहाँ सिंबॉलिक उसका लिख दूं, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद द स्मॉल टी स्मॉल टी, दिस इज द टेस्ट क्रॉस। या अगर मैं लिख दूं कोई और अल्फाबेट लिख लूं, कि अब आपसे पूछा जा सके बताएं इसमें से टेस्ट क्रॉस कौन सा है, लाइक मैं चार ऑप्शन दे देता हूँ आपको, कि ये बताएं क्या ये टेस्ट क्रॉस है, या बताएं क्या ये टेस्ट क्रॉस है, या बताएं क्या ये टेस्ट क्रॉस है, या बताएं ये टेस्ट क्रॉस है। जस्ट अ मिनट, ओके बताएं जी कौन सा टेस्ट क्रॉस, ए बी सी डी? रियाज कह रहे हैं बी, अरसलान डी, अरीन डी, अलीशा डी, हमाद सी। ओके जी, इसको भी करेक्ट कर लें, जिन्होंने गलत जवाब दिया है इसमें डेल्टा करेक्ट है, डेल्टा इज टेस्ट क्रॉस, डेल्टा टेस्ट क्रॉस है, सी टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकता, ये भी नोट कर लें, सी और डी नहीं होगा, सिर्फ डी होगा, क्योंकि मैंने कहा है कि ये टेस्ट क्रॉस किसके दरमियान होगा, हेट्रोजाइगस और रिसेसिव के दरमियान। तो देखें डेल्टा के अंदर हेट्रोजाइगस और रिसेसिव आपको मिल रहा है, ठीक है, इसको हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे। अच्छा, जो टेस्ट क्रॉस होता है दैट इज वन ऑफ द बैक क्रॉस, इसको हम बैक क्रॉस भी कह सकते हैं। कैसे बैक क्रॉस? अब देखें जो F1 होता है जो कि अगली जनरेशन है, और P1 उनके पेरेंटल जनरेशन है, तो इसका मतलब है कि हमने फिलियल को पेरेंटल के साथ क्रॉस करा है, सो दैट्स व्हाई द दिस इज कॉल्ड द बैक क्रॉस। यस दिस इज करेक्ट, ऑल द टेस्ट क्रॉस और द बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉसेस और नॉट द टेस्ट क्रॉसेस। क्यों? कि बैक क्रॉस में दोनों के साथ क्रॉस हो सकता है। मसलन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैंने तो यहाँ लिखा ना रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ भी हो सकता है, डोमिनेंट के साथ जो है वो जो होगा वो, इसका मतलब है कि हमारे पास, हमने उसको जो है वो बैक क्रॉस तो कहना है, लेकिन हमने उसको टेस्ट क्रॉस जो है वो नहीं कहना, ये आपने याद रखना है। अच्छा, बुक के अंदर जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये बात ध्यान में रखनी है कि वो जस्ट कंपेयर किया हुआ है एक नॉर्मल केस के साथ, केस 1 एक नॉर्मल केस था, लेकिन केस 2 को उसके साथ कंपेयर किया था। एक्चुअल जो टेस्ट क्रॉस होता है ना, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। वैसे अगर मैं आपको, यहाँ आप सी कह रहे हैं, अब सी जो है
ये तो सिंपली अगर मैं P1 को देखूं तो क्या P1 नहीं बनता? ये P1 है कि नहीं है ये बताएं जरा। जी अरसलान रजब। ओके ये P1, P1 के अंदर। ओके अब इसमें से चारों में से बताएं F1 कौन सा है, F1 के अंदर क्या कंडीशन होती है। F1 देखिए B के अंदर क्या है, B जो है वो F1 के अंदर हमारा क्रॉस बनता है, F1 टू F1। अब इसको ये वाला जो है इसको जब हम इसके साथ क्रॉस करवाएंगे दैट्स द टेस्ट क्रॉस। तो ये एग्जैक्ट टेस्ट क्रॉस ये है, वो जस्ट है वो वहां पे बताने के लिए उन्होंने जस्ट कंपेयर किया हो, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके जी अगले सवाल पे आ जाए। हेटेरोजाइगस राउंड सीडेड कैपिटल आर स्मॉल आर इज क्रॉस टू रिसेसिव रिंकल्ड स्मॉल आर स्मॉल आर सीडेड प्लांट द प्रोजनी वुड बी। प्रोजनी कहते हैं अगली जनरेशन को, तो उसमें प्रोजनी क्या होगी? आपका चार ऑप्शन है अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। अब बताएं जरा क्रॉस ये है, ये मैं जरा यहां पर आपको लिख दूं क्रॉस बना दूं ताकि आपके लिए आसानी हो इसको देखने के लिए। क्रॉस ये बताया कि एक है कैपिटल आर स्मॉल आर और एक है स्मॉल आर स्मॉल आर, तो बताएं इनकी आगे प्रोजनी क्या होगी। ये जो मैंने गिवन ऑप्शन दिए आपने इसमें से बताना है, अपना ऑप्शन नहीं अप्लाई करना। अफसा डी कह रही है, अलीशा ए कह रही है। जल्दी से सोचिए जरा, जल्दी जल्दी जरा मुझे बताएं ताकि थोड़ा सा आपका ब्रेन स्ट्रॉमिंग हो कि क्या सही है। और इस तरह के सवाल आ जाते हैं और मैं ये बताऊंगा कि आपने फिर इसको कैसे ऑप्शन को पिक कैसे करना है। हमाद ए कह रहे हैं। अच्छा अगर मैं इसकी प्रोजनी यहां काउंट करूं तो कैसे इसकी प्रोजनी यहां पे निकलेगी? मैं इसको इसका एक क्रॉस करके चेकर बोर्ड बना लेता हूं, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा चेकर बोर्ड इसका? एक तरफ मैं ये रखूंगा गैमेट्स कैपिटल आर स्मॉल आर के, और दूसरी तरफ मैं ये रखूंगा इसमें क्योंकि एक ही तरह के बनने। ओके इधर ही आगे, इधर ही आगे, क्या रिजल्ट आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। ओके तो इसके अंदर ये जो हमें मिला है ये मिला राउंड और ये में मिला रिंकल, तो रेशो क्या बनी इसकी अगली जनरेशन पे अगर हम चले जाएं तो इसकी प्रोजनी ये आ गई। व्हाट विल बी द रेशो इन द प्रोजनी? तो रेशो मिल रही है 1:1। अब बताएं कौन सा आंसर सही होगा। अब सवाल यहां पर ये है कि अब आप देखेंगे 1:1 तो एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं है, तो अब आइडियल कंडीशन नहीं होती वाइल्ड के अंदर, तो हमने करीब तरीन लेना है, करीब तरीन। अब देखे ना आंसर पे आना शुरू हो गए अरसलान हमार, अब आप डी कहना शुरू हो गए। यस अब अगर सवाल पेपर में इस तरह का आ जाए, क्योंकि जब भी हम आइडियली बात करते हैं तो वो तो हम प्रोसेस से तो निकाल लेते हैं, लेकिन वाइल्ड के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट वो रेशियो है, ठीक है, उसमें थोड़ी सी वेरिएशन जरूर आती है, जिस वजह से जो 1:1 रेशो है उस पर ये अप्लाई हो, दैट इज द 1:1 रेशो। अब आप कहेंगे कि सर एग्जैक्टली 1:1 नहीं है, लेकिन वेरी नियर टू दैट, तो इस वजह से इसके अंदर डेल्टा जो है वो हम करेक्ट लेंगे। आई होप सबको इसकी समझ आ गई होगी, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। ओके अब आपने जब प्रोजनी निकालनी है तो ये क्रॉस बना के निकालनी है, और क्रॉस बना के आपने अब देखे सामने आया था 75:25, तो अब एग्जैक्ट अगर 75:25 नहीं भी है तो आपने करीब तरीन वाले को चूज कर लेना, उसको छोड़ना नहीं है, वो ये सही कंसिडर होगा। इसमें ये नहीं आप कहेंगे कुछ शायद मिसप्रिंट हुआ है या इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। ये क्रॉस मैंने बनाया अलीशा, इस क्रॉस को देखें कि राउंड एक राउंड आया एक रिंकल आया, तो रेशियो प्रोजनी 1:1 की आई है, तो डेल्टा में देखें ये तकरीबन 1:1 ही है ना, 3:03, 3:01, ये तकरीबन करीब तरीन है। ऊपर देखेंगे तो बहुत सारा फर्क आ रहा है उसके अंदर रेशियोज में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। विच आर फॉलोइंग क्रॉसेस एंड रिजल्टेंट फिनोटाइप्स और मिसमैच्ड। अब ये आपके सामने देखे ना इसमें क्रॉस बना पड़ता है, मैंने वो बताया था लेक्चर में क्रॉसेस वाले सवाल, आपने कल मैंने मैसेज किया था ग्रुप में कि क्रॉसेस वाले सवाल लाजमी करने हैं, इस तरह के सवाल आ जाते हैं जो ज्यादा मुश्किल पैदा करते हैं, और आगे चल के जब ब्लड ग्रुप्स में बात करेंगे टेस्ट में तो मजीद उस पर भी क्रॉसेस हैं और वो भी आपने उसी तरह से ही लर्न करने। जी बताएं जरा जी इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा मिसमैच है? मिसमैच का मतलब होता है जिसमें क्रॉस की फिनोटिपिक रेशो मैच नहीं कर रही। अफसा बी कह रहे हैं, कासिम ने बी कहा, जी उसके बाद अलीशा,
डी कह रहे हैं, परीन ने भी बी कहा है कि बी मिसमैच्ड है, बी मिसमैच्ड है या सी मिसमैच्ड है। चलें जी, इसका भी मैं आपको आंसर बता देता हूं कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा ही है, क्योंकि ये मिसमैच्ड है। कैसे मिसमैच है? ये आपके सामने क्रॉस बना हुआ है, ये जो अभी क्रॉस बना ना ऊपर वाले सवाल का, ये वाला क्रॉस, ये वही है। देखें, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल आर, एग्जैक्ट वही है। यहां देखें, यहां तो 1:1 रेशो आ रही, तो ये रेशो 2:1 है, तो ये करेक्ट नहीं है, ये मिस मैच। बाकी सारे मैच है, आप क्रॉस करवा के देख लें, कोई एक में करवा के बता देता हूँ आपको। जैसे ये जी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके, क्रॉस भी द स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। सबसे पहले तो आपने देखने की गैमेट्स कौन कौन से बनेंगे। अब इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल वाई, ओके, और इसी तरह से कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई, और एक बन जाएगा स्मॉल टी कैपिटल वाई, और एक बन जाएगा स्मॉल टी स्मॉल वाई। ये चार गैमेट्स इसमें बनेंगे, और इसके अंदर जो गैमेट्स बनेंगे वो सारे कैपिटल टी स्मॉल वाई वाले ही बनने हैं, इसके अलावा इसमें कोई गैमेट्स है वो नहीं बनेगा। अब जब हम इसको क्रॉस करवाएंगे तो एग्जैक्टली 1:1 रेशो आएगी। मसलन कैसे, यहां आप देखें, आप इसको इसके साथ क्रॉस करवाएं एक प्लांट तो ये आ जाएगा, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दूसरा जो है वो प्लांट आप देखेंगे, इसको इसके साथ करवा लें तो एक प्लांट ये बन जाएगा, ये भी उनसे डिफरेंट हो गया, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप इसको क्रॉस करवाएंगे, क्योंकि रैंडम फर्टिलाइजेशन करानी है, सबको सबके साथ फर्टिलाइज कराने, तो एक प्लांट ये बन जाएगा। और चौथा जो है वो आप इसको इसके साथ करवाएंगे तो एक प्लांट ये बन जाएगा। तो रेशियो दिस इज करेक्ट, 1:1। तो ये वाला आपके पास बुक के अंदर बना हुआ है, डाई हाइब्रिड वाला, ये 9:3:3, ये भी आपकी बुक के अंदर मेंशन है, मोनोहाइब्रिड के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनकी रेशियोज जो है वो फाइंड करनी है, और ये इस तरह के सवाल भी पेपर के अंदर आ सकते हैं। ओके जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। इन मेंडलिज्म लिंकेज वाज नॉट ऑब्जर्व्ड ड्यू टू साइनेप्सिस क्रॉसिंग ओवर म्यूटेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मेंडलिज्म में लिंकेज क्यों ऑब्जर्व नहीं हुआ था, व्हाट्स द रीजन जी, बताएं जरा इसका क्या आंसर है। अफसा डी कह रही है, अरसलान डी, बीबा डी, हमार डी। ओके जी, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर सही हो रहा है, अलीशा ने ए कहा है, अलीशा का सही नहीं है जवाब। अब मेंडल को लिंकेज क्यों ऑब्जर्व नहीं हुआ, दैट इज ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही थी, और ही वॉज लकी ना कि अब उसको तो पता ही नहीं था इस चीज का, ना उसको जीन का पता, ना उसको लिंकेज का पता हो, ये तो सारी बात की बातें मॉडर्न रिसर्च हुई है। यस, हम आज सही कह रहे हैं कि ये तो बाद में पता चला लिंकेज हुए, तो इसका मतलब है कि इस वजह से कि वहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही थी। अब यहां मैंने जैसे बताया कि मेंडल वाज लकी कि उसने 7 ट्रेट लिए, अगर वो कोई 8वां ट्रेट ले लेता और वो 8वां ट्रेट जो होता वो किसी दूसरे ट्रेट के करीब पड़ा होता तो कभी भी उसकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होनी थी, और उसका लॉ फिर जो नहीं बनना था, क्योंकि उसके अंदर रिजल्ट्स में डिफरेंस आ जाना है। अब यहाँ दो तीन सवाल जो कि आ सकता है, ये जो लिंकेज होता है, या इसको हम जो है वो जीन लिंकेज कहते हैं, जीन लिंकेज, दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन, मैं यहाँ पॉइंट लिख दूं जो आ सकता है, लिमिटेशन ऑफ द मेंडेलियन लॉ। लिमिटेशन वर्ड भी यूज हो सकता है, या एक वर्ड यहां मैं अगर यूज करूं ड्रॉबैक तो ये भी यूज हो सकता है, या डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। अगर पूछा जाए कि क्या प्रॉब्लम है मेंडल के लॉ के अंदर, तो आंसर जो होगा वो ये कि इसके अंदर जीन लिंकेज एक लिमिटेशन है, क्योंकि सारे के सारे जो जीन्स होते हैं वो मेंडल के लॉ को ओबे नहीं करते, या मैं ये पॉइंट भी लिख देता हूं, All genes do not obey Mendel law of independent assortment. अब कौन से ओबे करते हैं? ओबे सिर्फ वही करते हैं कौन से ओबे करेंगे, सवाल आ सकता है, वो ओबे करेंगे दैट रिजाइड ऑन डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम, या तो वो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम पर ही है, या
अगर एक ही क्रोमोसोम है पर हैं तो फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर हों ऑन सेम क्रोमोसोम, और अगर वो सेम क्रोमोसोम है तो एक दूसरे से दूर होंगे तो मेंडल लॉ को ओबे करेंगे, या फिर वो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम पे होंगे। अगर वो एक क्रोमोसोम पर है और एक दूसरे के करीब है, उनके दरमियान टाइट लिंकेज है एंड दे डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो यहाँ पर जिसकी वजह से उनमें रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी भी कम आती है। तो ये रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन हमने आगे जाके डिस्कस करने हैं, और ये भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता है, इस पर हम बात करेंगे। सो ये हमारे पास इसके क्वेश्चन